हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटना ब्लॉगर मुस्कान। तो आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं होली का, क्योंकि आज है होली और होली की पार्टी में हम लोग बनाने वाले हैं ग्रिल चिकन या तंदूरी चिकन भी आप लोग बोल सकते हैं, जो आपको मन हो, जैसा जिसको जो पसंद होता है वो होता है। तो ये हम लोग चिकन में पहले कट्स लगाए हैं, फिर उसको छेद कर दिए हैं कि ताकि मैरिनेशन अच्छे से मैरिनेट हो जाए उसमें। ये है दही, नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना है, ये हल्दी पाउडर अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा, मिर्ची पाउडर जैसा आपको तीखा पसंद हो, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, अदर टेस्ट है जैसा आपको ठीक लगे। ये है ऑयल, मैरिनेशन इतना ही डालना है। ये है गोलकी पाउडर, ये जीरा पाउडर, हम क्योंकि हम लोग का चिकन बहुत ज़्यादा था इसलिए हम लोग इतना सारा मसाला लिए हैं, आपका जितना चिकन है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी हम लोग चिकन के हिसाब से ही लिए हैं क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फैमिली हैं, उसमें हम लोग इतना सारा चिकन का यूज़ कर रहे थे। यह गरम मसाला, गरम मसाला भी हम लोगों ने 2-3 पैकेट्स डाला था। यह है चिकन मसाला, ये है फूड कलर एज अ टेस्ट, आपको अगर अच्छा लगे फूड कलर तो आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद है अगर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है फूड कलर। इसके बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम लोग चिकन में लगाएंगे अच्छे से अपने हाथों से इसको लगा के अच्छे से मैरिनेशन करेंगे, और मैरिनेट करने के बाद इसे हम लोग कम से कम आधा से 1 घंटा के लिए रख देंगे। और ये हम लोग अब ग्रिल कर रहे हैं, और ग्रिल करने टाइम इस पे बटर ज़रूर लगाएं, उससे अच्छा स्वाद आता है। और ये देखिए ये ऐसे ग्रिल किया हुआ है, इसके बाद अब हम इसमें बटर लगाएंगे अच्छे से बटर लगाने के बाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।